एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान के बाद इंडी अलायंस में नया घमासान शुरू हो चुका है। पवार ने कहा है कि गठबंधन की ओर से पीएम पद के फेस का ऐलान नहीं होना चाहिए। इससे पहले 19 दिसंबर की बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे किया था। इसके बाद बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन नीतीश के बाद में कहा कि वो नाराज नहीं है। ही गुज कही है कि गेले वाजव से गेले 10 से 15 वर्ष 15 वर्षी आमच्या भागात कुठल्याही कामात माझं लक्ष असत नाही। तिथे जे लोक निर्वाचित झाले, उदाहरणार्थ समजा पंचायत समिती असतील, साखर कारखाना असतील, अन्य संस्था असतील, तिथं कुणीच्या पदावर जावं, कुणी त्या ठिकाणची जबाबदारी घ्यावी या संबंधीचा एकही निकाल मी स्वतःकडे घेतले नाही। आणि त्यांना माझ्या मला असं वाटतं की नवी पिढी ही पुढे येऊन या सगळ्या जबाबदाऱ्या त्या लोकांनी घेतल्या पाहिजे। आणि त्यामुळे गेल्या 10-11 वर्षामध्ये त्या कदाचित जास्त काळात एकही जर निवडणूक किंवा दुसऱ्या गोष्टी तुम्ही लक्ष दिले नसेल तर याचं असं कुणाला काम करायच्या संबंधीची व्यक्तींची अडचणीची भूमिका कुणी घेतली नाही। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में